हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। गजा में जंग बंदी के लिए कनाडा अक्वामे मुत्तहदा में वोट, लिबरल काबीना मुनकसिम। लिबरल एमपी एंथोनी हाउस फादर की गजा में जंग बंदी की मुखालफत। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि जंग बंदी यकतरफा नहीं हो सकती। कनाडा के सूबे ओंटारियो में शदीद सर्द मौसम की वजह से मुतादित गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 12 गाड़ियां हादसे का शिकार हुईं, 2 अफराद जख्मी। एनवायरनमेंट कनाडा के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फानी तूफान की वार्निंग। कैनेडियन वजीर माहौलियात का COP28 के अख्तिताम पर मुहायदा। स्टीवन गैल्बो ने मुहायदे को यादगार करार दे दिया। स्टीवन गैल्बो ने कहा कि कनाडा ने मुहायदे को मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी ऐवाने नुमाइंदगान ने बाइडन के मुआवजे के लिए तहकीकात की इजाज़त दे दी। तहकीकात के हक में 221 और मुखालफत में 212 वोट पड़े। अमरीकी सदर बाइडन ने इस इकदाम को बेबुनियाद और सियासी शोबदबाजी करार दे दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कैनेडियन हुकूमत की तरफ से अक्वामे मुत्तहदा की करारदाद की हिमायत करने के फैसले ने बास शराइत के बगैर इसराइल और गजा के तनाज़े में जंग बंदी का मुतालबा किया है, जिस पर लिबरल अरकान पार्लियामेंट की तरफ से मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकूमत की तरफ से अक्वामे मुत्तहदा की करारदाद की हिमायत के फैसले ने बास शराइत के बगैर इसराइल और गजा के तनाज़े में जंग बंदी का मुतालबा किया है, जिस पर लिबरल अरकान पार्लियामेंट की तरफ से मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। जबकि कुछ का कहना है कि ये कनाडा के इसराइल को तर्क करने के मुतरादिफ है जब वो इंतहा पसंदों के साथ जंग में है। कुछ लिबरल अरकान पार्लियामेंट अक्वामे मुत्तहदा की करारदाद के अल्फाज के साथ मसला उठाते हैं जो फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा करती है, लेकिन वाज़ह तौर पर हमास से हथियार डालने का मुतालबा नहीं करती। करारदाद में कहा गया है कि तमाम फरीकेन को बैन अल-अक़वामी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों की तामील करनी चाहिए। इसराइल के बाज हामियों ने कहा है कि करारदाद की जबान मुल्क पर गैर मुनसिफाना बोझ डालती हैं। दरहकीकत करारदाद में लफ्ज हमास का जिक्र तक नहीं है। यह हमास को गजा की पट्टी में मुस्तकबिल की हुकूमतों में हिस्सा लेने की इजाजत देने से भी इनकार नहीं करता। कनाडा की वजीरे खारजा मेलानी जोली ने वोट का दिफा करते हुए कहा कि तशद्दुद के इस चक्कर का खात्मा होना चाहिए जिसने बहुत से बेगुनाहों को हलाक किया है और बेशुमार फलस्तीनियों को पानी, खुराक, ईंधन, अद्वियात या पनाह के बगैर छोड़ दिया है। अक्वामे मुत्तहदा में कनाडा के सफीर बॉब रॉय ने कहा है कि कनाडा गजा में शहरियों के लिए महफूज जगह कम होने से परेशान है क्योंकि इसराइल हमास को तबाह करने की कोशिशों में इस इलाके के जनूब में मजीद धकेल रहा है। लिबरल एमपी एंथोनी हाउस फादर, एक यहूदी एमपी जो कॉकस में अपनी कम्युनिटी के लिए एक नुमाया आवाज के तौर पर उभरे हैं, उनका कहना है कि वो कनाडा के अक्वामे मुत्तहदा के वोट में बहुत मायूस हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा के लिए जंग बंदी की तहरीक के पीछे अपना वोट डालना नाकाबिले कबूल है, जिसमें वाजह तौर पर यह शर्त नहीं कि हमास को अपने हथियार छोड़ने चाहिए और इसराइल से लड़ना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसराइल को बैन अल-अक़वामी तंजीमों में अक्सर औकात तन्हा किया जाता रहा है। अक़वामे मुत्तहदा की करारदाद की हिमायत के अलावा कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ एक मुश्तरका बयान भी जारी किया जिसमें हुकूमत के मौकफ को वाजह तौर पर बयान किया गया। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा पायदार जंग बंदी के लिए फौरी बैन अल-अक़वामी कोशिशों में हिस्सा लेगा, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि जंग बंदी एक तरफा नहीं हो सकती। ट्रूडो ने कहा कि हमास को हथियार डालने की जरूरत है। लिबरल एमपी सलमा जाहिद, एक मुसलमान जो टोरंटो के इलाके की नुमाइंदगी करती हैं
उनका कहना है कि वो शुक्रगुजार हैं कि कनाडा ने जंगबंदी के हक में वोट दिया। उन्होंने कहा कि कनाडा का वोट ज़रूरी था क्योंकि शहरियों की हलाकतों की तादाद नाकाबिल कबूल हद तक बढ़ गई है। गवर्नमेंट हाउस की रहनुमा करीना गोल्ड ने कहा कि लिबरल कोकस में नुक्ता नज़र का तनाव है क्योंकि यह वाहिद कोकस है जो हकीकी तौर पर कनाडा के मुआशरे के हर पहलू की नुमाइंदगी करता है। कनाडा के सूबे ओंटारियो में शदीद सर्द मौसम की वजह से मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। ओपीपी ने सर्दी के मौसम की वजह से मुतादिद तसादुम और रोल ओवर की इत्तला दी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे ओंटारियो में शदीद सर्द मौसम की वजह से मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। ओपीपी ने सर्दी के मौसम की वजह से मुतादिद तसादुम और रोल ओवर की इत्तला दी। अफसरान ने हाईवे पर मुतादिद वाकयात का रिस्पांस दिया। हाईवे 115 और 35 पर होने वाले तसादुम में 12 गाड़ियां हादसे का शिकार हुईं। ओंटारियो की सूबाई पुलिस ने कहा कि जनूबी ओंटारियो में सर्दी के मौसम ने सड़क की खतरनाक सूरत हाल पैदा कर दी थी जिसमें मुतादिद तसादुम और जख्मी होने की इत्तला है। ओपीपी के तर्जुमान ने कहा कि दो अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया और उनमें से एक शख्स जब वो अपनी गाड़ी से बाहर थे गाड़ी से टकराया। एनवायरमेंट कनाडा ने मुख्तलिफ इलाकों में बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी की बशमूल शुमाली यार्क और ड्रहम के इलाके बशमूल न्यू मार्केट बैरी जॉर्जिना और ऑक्सफर्ड जहां मौसमियाती एजेंसी ने 15 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने का मुतालबा किया है। शाम तक उन इलाकों में हालात बेहतर होने की उम्मीद थी। एनवायरमेंट कनाडा ने अपने अलर्ट में लिखा कि बर्फबारी की वजह से मौसमी हालात काफ़ी हद तक मुख्तलिफ होते हैं। सिर्फ चंद किलोमीटर के अंदर साफ आसमान से भारी बर्फ़ में तब्दीलियां आम हैं। कुछ मकामात पर हद निगाह कम होने की वजह से सफ़र के ख़तरनाक होने की तवक्को है। तेज़ी से जमा होने वाली बर्फ़ कुछ मकामात पर सफ़र को मुश्किल बना सकती है। कनाडा के वजीर माहौलियात ने बुध के रोज़ COP28 के अख्तिताम पर एक यादगार मुहायदे का खैर मकदम किया। पहली बार अक्वामे मुतहदा के तकरीबन 200 ममालिक के मौसमियाती सरबराह इजलास ने फॉसल फ्यूल से दूर मुंतकली पर इत्तेफाक किया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर माहौलियात ने बुध के रोज़ COP28 के अख्तिताम पर एक यादगार मुहायदे का खैर मकदम किया। पहली बार अक्वामे मुतहदा के तकरीबन 200 ममालिक के मौसमियाती सरबराह इजलास ने फॉसल फ्यूल से दूर मुंतकली पर इत्तेफाक किया। दुबई में मंजूर होने वाले मुहायदे को कुछ मुबस्सरीन ने आलमी मौसमियाती मुज़ाकरात में एक तारीखी मोड़ के तौर पर खैर मकदम किया और हफ्ते के शुरू में पेश किए गए मुसविदे से ज़्यादा मजबूत। लेकिन बहुत से लोगों ने खबरदार किया कि उन्होंने मुहायदे में शामिल खामियों और खलफिशार को देखा जो सनती दौर से पहले के दर्जा हरारत में इजाफे को 1.5 डिग्री से ऊपर रखने के आलमी अज़म को पूरा करने के लिए दरकार कार्रवाई को नुकसान पहुँचा सकती है। वजीर स्टीवन गैब्रो ने कहा कि कनाडा ने मुहायदे को मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा किया। उनका कहना था कि ये डील अगले चंद सालों के लिए टोन सेट करती है क्योंकि हम आबो हवा के बहरान से निमटने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। ये नतीजा यादगार है। बुध को जिस दस्तावेज पर इत्तेफाक किया गया वो 2015 के पेरिस मुहायदे का एक मरकजी हिस्सा है जिसने ममालिक को वक्तन फवक्तन अपने वादों का जायजा लेने का पाबंद किया कि वो गर्मी को 1.5 डिग्री की हद तक महदूद रखें। ममालिक ने तस्लीम किया कि मुकर्रा हदफ के लिए 2019 की सतह के मुकाबले में 2030 तक 43% और 2035 तक 60% आलमी अखराज में गहरी तेज़ रफ्तार और पायदार कमी की ज़रूरत है। इसको हासिल करने में मदद के लिए मुहायदा काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत को 3 गुना करने और 2030 तक तवानाई की कारकर्दगी की सालाना शरह को दुगना करने का मुतालबा करता है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की जानिब से सदर बाइडन के मुआवज़े के लिए तहकीकात की इजाज़त दे दी है। ऐवान में मुआवज़े की तहकीकात के हक में 221 और मुखालफत में 212 वोट पड़े। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की जानिब से सदर बाइडन के मुआवज़े के लिए तहकीकात की इजाज़त दे दी है। ऐवान में मुआवज़े की तहकीकात के हक में 221 और मुखालफत में 212 वोट पड़े। ये मुआवज़ा इस बात की तहकीकात के लिए किया जा रहा है कि आया सदर बाइडन ने अपने बेटे हंटर बाइडन के बैरून ममालिक कारोबार से फ़ायदा उठाया या नहीं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऐवान में रिपब्लिकन्स तहकीकात की मंजूरी पर निहाल डेमोक्रेट्स बेंचेस पर खामोशी छाई रही। अमरीकी सदर बाइडन का बेटे के कारोबार से मुबैना मफाद लेने के मामले पर ऐवान नुमाइंदगान ने मुआवज़े की तहकीकात की बाज़ाब्ता मंजूरी दी है जिस पर अमरीकी सदर बाइडन ने इस इकदाम को बेबुनियाद और सियासी शोबदाबाजी करार दे दिया। चेयरमैन कमेटी जेम्स कॉमर ने कहा कि तहकीकात में व्हाइट हाउस की जानिब से रुकावट का सामना है। उन्होंने कहा कि मुकम्मल ताबुन किया, रिपब्लिकन्स इल्जामात के खिलाफ शवाहिद भी फराहम किए। रिपोर्ट के मुताबिक रिपब्लिकन सदर बाइडन का बेटे को कारोबारी फायदा पहुँचाने के इल्जाम पर मुआवज़ा चाहते हैं। हंटर बाइडन ने ऐवान की कमेटी के सामने बंद कमरे में पेशी से इनकार करते हुए कहा कि वो आवाम के सामने पेशी चाहते हैं
और ये भी कि जो बाइडन बेकसूर हैं। याद रहे कि रिपब्लिकन्स का इल्ज़ाम है कि हंटर बाइडन ने यूक्रेन और चीन में कारोबार किए और गैर मुल्की कारोबारी शख्सियात को उस वक्त के नायब सदर जो बाइडन तक रसाई की यकीन दहानियाँ कराईं। ताहम शवाहिद पेश नहीं किए गए कि आया बाइडन ने किसी को फ़ायदा दिया या ख़ुद फ़ायदा उठाया। सदर बाइडन ने अपने रद्दअमल में कहा कि रिपब्लिकन ज़रूरी इकदाम के बजाय उन बेबुनियाद बातों पर वक्त ज़ाया कर रहे हैं जिनके बारे में रिपब्लिकन अराकीन कांग्रेस खुद तस्लीम करते हैं कि उनके पास शवाहिद नहीं है। वाज़े रहे कि डेमोक्रेट्स को सेनेट में बढ़तरी के सबब बाइडन का मुआवज़ा मुमकिन नहीं, क्योंकि ऐवान अगर मुआवज़ा मंजूर भी कर ले तो मामला सेनेट में जाएगा जहाँ डेमोक्रेट्स को 49 के मुकाबले में 51 वोटों की अक्सरियत हासिल है। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।